One day, Mataram, my dear student. Today we have to start our new chapter. Chapter number 9. Soil. Part 6. New topic. Soil and crops. Different types of soils are found in different parts of India. India ke different parts mein different types of soil humko milti hai. In some parts, there is clay soil, in some parts there is loamy soil, while in some other parts there is sandy soil. तो some parts में clay soil होती है, some part में loamy soil होती है, and जो other parts में क्या होती है, sandy soil होती है. Soil is affected by wind, rainfall, temperature, light and humidity. Wind, rainfall, temperature, light and humidity के द्वारा soil को क्या होता है? Soil affected होती है. These are some important climatic factors which affect the soil profile and bring changes in the soil structure. तो some important climatic factors है, वो soil profile को तो affect करता ही है और सॉइल स्ट्रक्चर में भी चेंजेस लाता है. द क्लाइमेटिक फैक्टर्स एज वेल एज द कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल डिटरमाइन द वेरियस टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड क्रॉप्स द माइट ग्रो इन एनी रीजन. तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स एज वेल एज सॉइल का जो कंपोनेंट्स होता है, तो एनी रीजन में क्रॉप्स का ग्रो एंड वेरियस टाइप ऑफ वेजिटेशन निर्धारित करता है. तो इसमें क्रॉप्स का ग्रो होगा एंड वेरियस टाइप ऑफ वेजिटेशन जो होगा वो टाई करता है. क्ले एंड लोमी सॉइल्स आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक वीट एंड ग्राम. वीट एंड ग्राम के लिए क्ले एंड लॉमी सॉइल बहुत सुटेबल है, तो ही वीट एंड ग्राम का अच्छी तरीके से ग्रो होता है. तो क्ले सॉइल एंड लॉमी सॉइल में ही वीट एंड ग्राम का ग्रो अच्छी तरीके से होगा, इसलिए क्ले सॉइल एंड लॉमी सॉइल ही बहुत सुटेबल है उसका ग्रोथ के लिए. सच सॉइल्स आर गुड एट रिटेनिंग वाटर. सच सॉइल जो होती है वो वाटर रिटेनिंग उसमें गुड होती है, अच्छी होती है. फॉर पैडी सॉइल्स रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग अ गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर आर आइडल. तो पैडी का जो क्रॉप जो है, जो फसल है, वो सॉइल्स उसमें क्ले जो होता है वो रिच होता है एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड वाटर रिटेनिंग की कैपेसिटी कैसी होती है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी गुड होती है एंड आइडल है. फॉर लेंटिल्स और मसूर एंड अदर पल्सिस लोमी सॉइल्स विच ड्रेन वाटर इजीली आर रिक्वायर. तो मसूर एंड अदर पल्सिस के लिए लोमी सॉइल जो है वो उसमें क्या है, वाटर ड्रेन इजीली है, तो वो क्या है, रिक्वायर है मसूर एंड पल्सिस के लिए. फॉर कॉटन सैंडी लोम और लोम विच ड्रेन वाटर इजीली एंड कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर आर मोर सुटेबल. तो कॉटन के लिए सैंडी लोम और लोम, तो उसमें क्या है, ड्रेन वाटर इजीली होता है, इजीली ड्रेन वाटर होता है एंड एयर जो है वो क्या है, होल प्लेंटी है, उसको पकड़ के रखती है एंड मोर सुटेबल है, वो मोर सुटेबल है कॉटन के लिए, मोर सुटेबल है. क्रॉप्स सच एज व्हीट आर ग्रोन इन द फाइन क्ले सॉइल्स बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस एंड वेरी फर्टाइल. तो वीट का क्रॉप्स है उसमें किसमें अच्छा अच्छी तरीके से ग्रो होता है,
तो क्ले सॉइल है तो उसमें वीट के क्रॉस का अच्छी तरीके से ग्रो होता है, प्रॉपर तरीके से उसका ग्रोथ होता है। कौन सी सॉइल में? क्ले सॉइल में ही होता है, बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस एंड वेरी फर्टाइल। तो उसमें ह्यूमस रिच है एंड वो कैसी है? वेरी फर्टाइल है। क्ले सॉइल कैसी है? वेरी फर्टाइल है। फाइंड फ्रॉम योर टीचर्स, पेरेंट्स एंड फार्मर्स द टाइप ऑफ सॉइल्स एंड क्रॉप्स ग्रोन इन योर एरिया। तो अपने एरिया में जो भी क्रॉप्स का ग्रो होता है एंड जो भी टाइप्स ऑफ सॉइल है वो आपको टीचर्स, पेरेंट्स और फार्मर के साथ आपको फाइंड करना है, कौन सी टाइप की सॉइल है एंड कौन से क्रॉप्स का ग्रो होता है अपने एरिया में, तो आपको फाइंड करना है। एंटर द डेटा इन द फॉलोइंग टेबल नंबर 9.2। तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट द टेबल नंबर 9.2। टाइप्स ऑफ सॉइल, उसमें क्रॉप ग्रोन, तो क्ले सॉइल है उसमें किसका ग्रो होता है? वीट का। तो हमने देख लिया है सैंडी सॉइल में किसका ग्रो होता है, लॉमी सॉइल में किसका ग्रो होता है, तो आपको वो डेटा फिलअप करना है। विच काइंड ऑफ सॉइल वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांटिंग राइस। तो प्लांटिंग राइस के लिए कौन से टाइप की सॉइल मोस्ट सुटेबल है कि उसमें अच्छी तरीके से प्लांटिंग राइस होता है, कौन से टाइप के सॉइल सुटेबल है? सॉइल विथ अ हायर और लोअर रेट ऑफ परकोलेशन। सॉइल का हायर और लोअर रेट परकोलेशन। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।